अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अली सलमान अंचर और आप देख रहे हैं अचीवर शो। जैसे आपको पता है, इस शो में मिलवाता हूँ आपको ऐसे अचीवर से जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो। तो आज के हमारे अचीवर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं इनकी पैकेज की तरफ। पाकिस्तान में आम तौर पर लोग फिजिकल फिटनेस के हवाले से जानते तो हैं, लेकिन इसको कैसे हासिल किया जाए और हासिल करने के बाद कैसे कायम रखा जाए, इनके नज़दीक एक सवाल होता है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के ऐसे लोग भी हैं जो ना सिर्फ अपनी फिटनेस का खुद अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं बल्कि नए आने वालों और इस हवाले से शौक रखने वालों की रहनुमाई भी करते हैं। सलमान शेख पाकिस्तान का एक ऐसा ही चमकता दमकता नाम है। सलमान शेख ने अपनी फिटनेस ट्रेनिंग का आगाज फिट थाई इंस्टीट्यूट थाईलैंड से किया। सलमान शेख को एक और एजाज हासिल है कि गूगल ने सलमान शेख को एशिया का नौ उम्र बेस्ट फिटनेस एक्सपर्ट ट्रेनर नामजद किया है। सलमान शेख पहले फिटनेस ट्रेनर हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाकर वर्ल्ड चैंपियन फिटनेस ट्रेनर्स, इंटरनेशनल एथलीट्स और वर्ल्ड चैंपियन पावर लिफ्टर वीमेन के साथ लाइव सेशन किए। सलमान शेख को मिस्टर कराची रहने का भी एजाज हासिल है। सलमान शेख इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के सर्टिफिकेट भी हासिल कर चुके हैं। आज 2021 में सलमान शेख का 15 साल का तजर्बा है। बात यही खत्म नहीं हो गई, सलमान शेख मिस्टर पाकिस्तान को भी तरबियत दे चुके हैं। सेलिब्रिटीज की बात हो तो पाकिस्तान के जाने माने गुलकार अली हैदर को भी फिटनेस ट्रेनिंग दे चुके हैं। सलमान शेख बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल के शदीद मुखालिफ हैं और इस हवाले से बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स के खात्मे के लिए मुख्तलिफ आर्टिकल शाया कर चुके हैं। पैकेज आपने देख लिए, तो हम चलते हैं सलमान शेख की तरफ। सलमान, वालेकुम अस्सलाम। हमने आपका पैकेज देखा, माशाल्लाह से बड़े आपकी फिटनेस के चर्चे, तो मुझे बताएं ये कैसे शौक हुआ आपको ये फिटनेस की तरफ आने की तरफ? मुझे शौक ऐसे हुआ कि लाइक मैं बहुत स्लिम सा होता था, तो मेरी तरह तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। अच्छा। सही है। फिर मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, कोई अराउंड में 16-17 साल की एज में मैंने कोई 18 इंच का बाइसेप्स बनाया, कोई पैक्स वैक्स बनाए। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, फिर मैंने ऑन एंड ऑफ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता गया थोड़ा। लेकिन मैं इस तरह करता हूँ कि कुछ टाइम अपने आप को हैवी किया, कुछ टाइम अपने आप को कट श्रेडेड रखा, ताकि जो मेरा इम्यून सिस्टम है वो अफेक्टेड ना हो। तो ये जो आपने ये आपने आप सिर्फ इसलिए आपने चूज़ किया इसको कि आपके लोग तंग करते थे या तंज करते थे, कि वैसे भी शौक भी था, ये मोटिवेशन भी? देखिए लाइक था मूवीज देख के जो है शौक चढ़ जाता है, डोले छोले बने हैं, लड़कियां इंप्रेस हो। ये लड़कियों के इंप्रेस करने के लिए नहीं किया था? नहीं, इंप्रेस करने के लिए नहीं किया, वो वैसे ही हो जाती है। अच्छा, वैसे ही होती है। ये बड़ी खुशफहमी होती है हर किसी को, खरे हर बंदे को होती है। अच्छा बताइए, गूगल ने भी आपको लिस्टेड किया है, सुना है, ये क्या सीन है? देखिए मैंने तो थोड़ा ब्रीफ बताइए क्या गूगल किस तरीके से आपने किया। मैंने जो है आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने लाइव सेशंस किए इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ, वर्ल्ड चैंपियंस के साथ, पावर लिफ्टिंग वुमेन वर्ल्ड चैंपियन वुमेन्स के साथ। तो उसकी वजह से जो है गूगल ने मुझे पर लिस्टेड किया एज अ यंग एंड बेस्ट फिटनेस एक्सपर्ट इन एशिया, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। तो यानी कि हम यानी वो आपको रिकमेंड करती है कि पाकिस्तान में अगर फिटनेस कराई जाए तो ये सर्टिफाइड, और आप सर्टिफाइड भी हैं शायद जी, तो सर्टिफिकेशन का क्या सीन है? मैंने अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से सर्टिफिकेशन की हुई है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंसेस एसोसिएशन से सर्टिफिकेशन की हुई है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से की हुई है, नेशनल CPR फाउंडेशन से की। कैसे की सर्टिफिकेशन? आपने ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग भी सेशन दी थी? मैंने आई वेंट थाईलैंड, सही है, वहाँ फिट थाई में मैंने जो है इसकी अपनी जो है पहला सर्टिफिकेशन वहाँ से किया था। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने यहीं पे बैठ के सारी स्टडी की, क्योंकि ऑल्दो आई एम गोइंग जिम तो मेरे पास जो है सारा इक्विपमेंट था। अच्छा। तो उस हिसाब से फिर मैंने वो सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था? आपको लाइव देखते थे कि कुछ क्वेश्चन आंसर होते MCQs होते थे? मैंने सर्टिफिकेशन किए अभी कोई 4 साल पहले। अच्छा। लेकिन आई एम हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ इन दिस फील्ड लाइक 15 ईयर्स। अच्छा। और मैंने मेरे सामने जो है मतलब लाइक बड़े से बड़े ट्रेनर, बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर, मैंने खुद मिस्टर पाकिस्तान को ट्रेन करा है, ट्रेनिंग कराई है, नेशनल चैंपियंस को ट्रेनिंग कराई है, इंटरनेशनल एथलीट्स को ट्रेनिंग। सेलिब्रिटी वगैरह को कराने का तफाक है जी? अच्छा, तो किस किस को कराई है? अली हैदर भाई सिंगर जो हमारे पुरानी जीन्स वाले जी, उनको और कुछ एक्टर्स को, मतलब कि मेरा काफ़ी इसमें एक्सपोजर अच्छा है, मतलब आई एम वेल नोन इन माय फील्ड। नहीं, वो तो हमें पता, वेल नोन ही इसलिए आप इधर बैठे हैं, अचीवर है हमारे। मुझे बताएं कि आपका जो पेज है वो सिंध का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफिशियल पेज जी, है क्या? कराची बॉडी बिल्डिंग का पेज है हमारा, जो कि सिंध का सबसे बड़ा पेज है और पाकिस्तान का पहला पेज है जो इंटरनेशनली जो है ना रिकॉग्नाइज्ड है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ लाइव सेशंस करते हैं और कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। मैंने खुद जो है पूरा लॉकडाउन जो इससे पहले जो लॉकडाउन था उसमें मैंने यही किया पूरा, जो है मैंने ओलंपिया
ओलंपिया के जो कॉन्टेस्टेंट थे उनको लाइव लिया, पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैम्पियन थी वुमेन उनको लाइव लिया, एमएमए मिक्स मार्शल आर्टिस्ट जो हैं यूएसए से हर जगह से उनको लाइव लिया, तो और मसलमेनिया प्रो क्लासिक चैम्पियन जॉन मेलास जो एक बहुत बड़ा नाम है, ही इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड, उनको मैंने लाइव लिया। तो एक बहुत अच्छा जो है ना, लोगों से कभी कभी फ्यूचर में उनको पाकिस्तान लाने का प्लान है कि भाई पाकिस्तान भी लेना चले, अभी जो सेशन हुआ आपके साथ इंशाल्लाह, मतलब मेरा तो अभी जो मेन प्लान है वो ये कि पाकिस्तान में एक अच्छा लर्निंग सेंटर खोलना कि हम एक लोगों को एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनाएं। अरे मुझे बताएं कि आपने बहुत सारे जिम्स की ओपनिंग भी की है या आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कि नए ज़्यादा जिम्स खुलें कराची में या पाकिस्तान में, तो वो क्या मतलब आपको इनकरेज, आपको जिम्स अप्रोच करता था कि आप जाके बोलते कि नहीं ऐसे होने चाहिए? देखिए पाकिस्तान में जिम से ज़्यादा जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि ट्रेनर्स की लर्निंग्स पे काम करना चाहिए। जिम तो खुल रहे हैं माशाल्लाह से, अब फिटनेस बूम कर रहा है अकॉर्डिंग टू जो मैंने मतलब मेरी जो स्टडीज़ हैं उसके हिसाब से 2021 तक था बूम करना, लेकिन ड्यू टू पैंडमिक थोड़ा सा हम पीछे हो गए, तो अब 2022-2023 में ये हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर जाएगी, बूम कर रही है अभी से, ग्राफ हमारा जो अप है, लेकिन 2022-2023 में और ज़्यादा जो है ना ये इंडस्ट्री बूम कर जाएगी। और मेरा ये कि यार कि आपका जो ट्रेनर हो वो सर्टिफाइड हो, पढ़ा लिखा हो, ताकि वो अपने क्लाइंट को एक सेफ एनवायरनमेंट दे सके। कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, मतलब बैचलर्स मास्टर्स किया होना चाहिए कि PhD का होना चाहिए? यार सिंपल देखें, वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेगुलर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्टिफिकेशन। ओके, इफ ही इज अ सर्टिफाइड देन इट्स वेल एंड गुड, उसको पता होगा, उसने किताबें पढ़ी होगी ना, उसको पता होगा कि व्हाट ही इज डूइंग, वरना वो समझ गया, क्योंकि वो एजुकेशन वो ज़रूरी है, बट इसके साथ की अपनी सर्टिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है, इसकी अपनी क्लासेस हैं, अपनी किताबें हैं, वो आपने कोर्स करके सर्टिफिकेशन दी। अच्छा मुझे जो है ये बताइए कि जो लाइव सेशन आप कर रहे हैं जो अभी आपने पेंडेमिक में किए हैं, तो वो कोलैबोरेटिव होते हैं कि वो उसमें कुछ आप फिजिकली बता रहे होते हैं, टिप दे रहे होते हैं कि एक्सरसाइजेस दिखा रहे होते हैं, डेमोंस्ट्रेशन भी दिखा रहे होते हैं, सही है, और उसमें टिप्स भी होती हैं, हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे होते हैं पूरा हेल्थ और फिटनेस के बारे में कि क्या वर्कआउट किस तरह होना चाहिए, क्या होता है, तो एक हमारा एक जो है क्वेश्चंस चलते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, तो इस तरह चलता है। तो बस मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो चलते हैं ब्रेक की तरफ, तो नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, तो हम बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा मुझे बताएं कि एक जैसे मेरा जैसा आदमी है, कोई भी नॉर्मल आपके पास जो क्लाइंट आता है तो उसका आप डाइट प्लान या आपको कैसे क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करें? अच्छा मैं सबसे पहले एक फॉर्म फिल करवाता हूँ, अच्छा, जिसमें एज, हाइट, वेट, फैमिली हिस्ट्री, वालदैन का क्या उनको कोई, तो आप इमिग्रेशन करवा रहे होते हैं कि उसको के ये ज़रूरी होता है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान आपको पता होना चाहिए उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी एक्टिविटी हिस्ट्री क्या है, अच्छा। कहीं वो वर्कआउट कर रहा था नहीं कर रहा था, अगर उसके ख़ानदान में उसके घर में किसी को 40 प्लस एज में किसी को एक्यूट या क्रोनिक इलनेस हुई है लाइक ब्लड प्रेशर या शुगर, तो उसके हिसाब से डाइट प्लान बनाना होता है ताकि सेफ, सबसे सेफेस्ट हो। तो नॉर्मली फॉर एग्जांपल आपने एक डाइट प्लान बना दिया किसी नॉर्मल किसी का, तो क्या आप सजेस्ट करते हैं क्या खाया जाए, क्या प्रोटीन्स होनी चाहिए, क्या कुछ मतलब बेसिक तो बताएं कम से कम? देखिए वैसे जो जनरल बताइए, वैसे जो है डाइट में आपका जो है 40% जो है कार्ब्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, 30% आपका जो है वो प्रोटीन होना चाहिए, और 30% आपका फैट होना चाहिए, अनसेचुरेटेड फैट जिसमें मिनरल्स और ये सब चीज़ें जो है ना शामिल हो जाती हैं, विटामिन एंड मिनरल, तो ये एक प्रॉपर एक अच्छा डाइट प्लान बनता है, लेकिन डिपेंड करता है कि व्हाट्स योर गोल। अब एक बंदा जो है वो कोई 150 kg है, उसका तो डाइट प्लान फिर ऐसा बनेगा जिसमें फैट कम होंगे, कार्ब्स कम होंगे, प्रोटीन ज़्यादा होंगे और कैलोरीज डेफिसिट होंगी। अब एक बंदा जो है वो 50 kg का है, लेकिन उसका जो BMI है उसके हिसाब से उसको होना चाहिए 70+, तो फिर उसका उस हिसाब से बनेगा। लेकिन कुछ जो है ना लाइक बॉडी टाइप्स में BMI इट्स अ मिथ, जो एक कैलकुलेटेड जो होता है ना, जो आप एक कैलकुलेशन होती है वेट की, कितना हाइट के हिसाब से क्या वेट होना चाहिए, डिपेंड करता है, कुछ लोगों की जो बोन का वेट ज़्यादा होता है। आपका क्या वेट है खुद का? मेरा भी आई एम अराउंड 90, और मैं कुछ भी कर लूँ ना, मैं अपने आप को बिल्कुल स्लिम भी, जब मैं कटिंग फेस में भी होता हूँ ना, श्रेडेड भी होता हूँ, तो मैं तब भी 80 से नीचे नहीं जाऊँगा। और जब आपने स्टार्ट की थी जब क्या वेट था आपका, जब सोच रहे थे करूँगा? जब मैंने स्टार्ट की थी उस वक्त मेरा 55 kg वेट था।
अच्छा, आपने अपने आप को उस तरह की जी बचपन की वेट था। फिर मैंने कुछ मैं बीच में मॉडलिंग कर रहा था शूट सूट्स के लिए, तो उसमें मैंने अपने आप को 65 kg किया था पैक्स वैक्स के साथ सब कुछ के साथ। अच्छा, जो डाइट है आपका उस पर आप सजेस्ट वैसे क्या करते हैं कि आप ये कोई देसी वैसी खाना खाया जाए प्रॉपर खाया जाए कि भाई आपके जो आपके स्ट्रिक्ट डाइट है उसको फॉलो किया जाए? देखें आप एग्जाम्पल मैं पराठे खाऊं या कुछ लस्सी शस्सी और इस तरह की जो खाऊं? आप हर 7 हफ्ते में एक दफ़ा ना आप यू कैन हैव पराठा यू कैन हैव लस्सी ये सब चीज़ें। अच्छा आप देखो पराठा अगर खा रहे हो तो आप उसको ऑलिव ऑयल में बना लो। अब भाई ये बताओ कौन हम पराठा, हम तो बाहर के ठेले से मतलब दुकान स्टिक अब से हम कहाँ बोलेंगे ऑलिव ऑयल बना भाई, या फिर सुलेमानी खाओ। देखो अपनी लाइफ को अच्छा गुजारना, देखो अल्लाह ताला ने सुलेमानी का, देखो सुलेमानी का तो पान मशहूर है, अब आपने सुलेमानी भी लिया है इसके अंदर। सुलेमानी मतलब कि लेस ऑयली वाला जो पराठा होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि सुलेमानी टोपी बड़ी मशहूर है, सुलेमानी टोपी ने खाए हुए तो आपकी बिल्कुल हमें सुलेमानी टोपी की तरह आपने बिल्कुल एक नई कहानी सुना दी कि सुलेमानी परांठा। तो ये चीज़ है मतलब आप बाहर की, जैसे आप मुझसे अगर देसी बात कर रहे हो बाहर का तो मैं उस हिसाब से आपसे बात करूँगा, लेकिन बात सारी है कि अगर हमें एक अल्लाह ताला ने एक जिस्म दिया है तो अगर हम उसको उसका ख्याल रखेंगे ना तो ये भी एक इबादत है। अच्छा आपने आर्टिकल्स वगैरह जो है वो भी लिख रहे हैं अवेयरनेस के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं और ट्यूटोरियल वीडियोज़ भी देते हैं, आर्टिकल भी फोकस है। देखिए आर्टिकल्स बाकी लाइव सेशन वो एक तो हो गया ठीक है, ट्यूटोरियल वीडियो ही है क्योंकि उस पर मैं पता क्या करता हूँ लाइव सेशन में ये कि एनीबडी कैन आस्क मी क्वेश्चन राइट अवे, मैं लाइव आता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं मैं उसको इंटरेक्ट करता हूँ। सबसे वेट क्वेश्चन आज तक आपको क्या किसी ने दिया ना यार, ये कोई सवाल है पूछने वाला? देखिए भाई तो लाइव क्वेश्चन में कोई बिल्कुल अंतम भंड मार दिया किसी ने, कोई ऐसा हुआ कोई एक्सपीरियंस? यार बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि लोग कहते हैं आप बताना नहीं चाहते, चले हम आगे इधर चलते हैं आर्टिकल पे आ जाए। अच्छा आर्टिकल्स मैं एंटी ड्रग्स पे लिखता हूँ, एंटी स्टीरॉइड्स पे, बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स जो होते हैं। अच्छा आपके जो एंटी ड्रग्स वाला सीन है ये वो वाला ड्रग्स नहीं, ये है जो बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स जो इंजेक्टेबल ड्रग्स होते हैं जो ओरल ड्रग्स होते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स वो वाला ड्रग नहीं, ड्रग डिफरेंट होता है ना एक तो दवाइयों का भी ड्रग्स बोलते हैं ये, इससे इफेक्ट होता है आप ये फूल जाते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग होता है। असल में बात पता क्या है, यहाँ पे लोगों को लोग करवा तो देते हैं इंटरनेट पे सर्च करके लोगों ने करवा दिया, लेकिन उनको पता नहीं है कि हाउ टू डू PCT पोस्ट साइकिल थेरेपी, इसको बॉडी से एग्जीक्यूट निकालना किस तरह है, इसको एक्सक्रीट किस तरह करना है आपको, वो फिर उसमें लोग फंस जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स है ना ये सिर्फ कॉम्पिटेटर्स अगर यूज़ करें तो फिर समझ में भी आता है, अब हर किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरी जो जंग है ना वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं ना जो मतलब लाइक 16-17 साल के बच्चे हैं उनको ड्रग्स पे लगाया जा रहा है वो चीज़ जो है ना कंट्रोल। वही वाली बात है, एक्सपर्ट का जो होता है वो एक्सपर्ट को इसीलिए कहते हैं ना, और जो आजकल बेसिक नाम नेहाद किस्म के ट्रेनर्स आ गए जो ये भी खा लो वो भी खा लो वो भी खा लो, तो ये जो है उससे उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। असल में हमारा सबसे बड़ा जो आजकल मसला है ना वो है ईगो का, ट्रेनर्स का ना, वो हर कोई ये कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ, सुप्रीमेसिस्ट है हर कोई, वो कहता है कि आई एम बेटर देन एवरीबडी। मैं जो है मेरी जो मैं हर किसी के साथ हम्बल रहता हूँ, कभी मैं मतलब ऊपर से नहीं आता, इस वजह से अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। मैं ये कहता हूँ कि यार मेरा जो काम है वो लोगों की वजह से, अगर मैं लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन रखूंगा तो मेरा काम और बढ़ेगा। तो आप खुद आपका फेवरेट फूड क्या, आप खुद क्या खाते हैं, अगर जैसे आप डाइट प्लान नहीं हो है आपका तो फिर आप क्या खाना पसंद करते हैं या क्या खाते हैं? यार मटन, मटन कढ़ाई। या क्या खिलवाते हैं, क्या खिलाते हैं? देखिए मैं चीट मील पे ना कभी पास्ता खिलवा देता हूँ, कभी पिज्ज़ा खिलवा देता हूँ। नहीं हमें क्या खिलाएंगे, हम तो पिज्ज़ा पास्ता वाले नहीं, अगर आप मुझे खिलाएंगे तो क्या? आप मटन कढ़ाई, आप देसी है ना, मटन कढ़ाई खाएं। अच्छा सही है, आप जो है आप खुद कुक भी अपना खाना खुद बनाते हैं? हाँ मैं अपना खुद खाना। क्या बनाते हैं अपने खाने में? अच्छा मैं ग्रिल्ड चिकन बनाता हूँ, ग्रिल्ड फिश बनाता हूँ, तो इस तरह का पूरा जो आप किस दिन मुझे बुला रहे हैं ग्रिल चिकन और ग्रिल फिश खिलाने के लिए? एनी टाइम, कोई मसला नहीं है, मैं तो रोज ही बना। आप ऑन एयर रोल मुझे ऑफिशियल टाइम बताएं, मैं उस टाइम आऊंगा। नहीं ऑन एयर ऑफ एयर मतलब कि माय वर्ड्स विल रिमेन। आप जो है खुद अपना खाना बनाते हैं तो आपकी जो अम्मा है या आपकी होने वाली जो बीवी होंगी वो तो बड़ी सुकून से रहेंगी कि बच्चा जो है हमारा मियाँ खुद खाना वाना बना लेगा, टेंशन खाने का। क्योंकि मैं सेटिस्फाई फील करता हूँ खुद बना के ना, एक्चुअली मैं डाइट कर रहा हूँ तो मैं दूसरों को परेशान क्यों करूँ? अच्छा अपना खुद करूँ ना, तो ये बात है तो मैं खुद ही। आप शॉपिंग भी अपने लिए खुद ही करते हैं कि सिर्फ वो सिर्फ पकाने तक की है कि मुझे फिश की वाली लेनी है, चिकन ये वाली लेनी है? वो अल्हम्दुलिल्लाह सुलेमानी का अलग, अल्हम्दुलिल्लाह जो है इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि अल्लाह ताला ने एक इज्जत दी है, मेरे पास हर चीज़ घर पे आ जाती है, आई जस्ट हैव टू पे, और मुझे एक एक्सपोर्ट क्वालिटी की फिश मिल जाती है घर पे, उसके अलावा एक्सपोर्ट क्वालिटी की चिकन जो अच्छी चिकन होती है चिकन ब्रेस्ट वो मुझे मिल जाती है, तो मुझे जाना नहीं पड़ता। क्योंकि स्केड्यूल मेरा ऐसा है कि मुझे जो है कभी कभी कौन से जिम जाके क्लास ले रहा होता हूँ, कभी कौन से जिम कुछ नहीं तो फिर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा होता हूँ, तो ये चीज़। तो अच्छा ये बताएं अगर किसी ने करियर ऐसा करियर लेना है, अब आपके इंटरव्यू के बाद शायद श्योर के लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस आएगी, तो अगर करियर में समझते हैं पोटेंशियल करियर है ये क्या नहीं है? बहुत है। अच्छा मेरा ये सर्टिफाइड होना चाहिए? बिल्कुल, आप पढ़ाई करो,
अच्छा, आपको पता हो, नॉलेज हो, सही है। मेरा जो आगे प्लान भी यही है कि मैं यहाँ पर जो है अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंसेस एसोसिएशन का फ्रेंचाइज यहाँ पर ओपन करूँ, जिससे लोग जो है एक हाईली क्वालिफाइड बन सकें। तो मेरे ख्याल से आपको स्कूल या अकेडमी टाइप की बागडेल में, क्योंकि देखिए राइट नाउ आई एम 30, सही है ना, आई एम जस्ट टर्न 30, तो बात सारी ये है कि मैं सारे ज़िंदगी तो ट्रेनिंग नहीं करा सकता। एक टाइम आता है कि बंदा आफ्टर 40 आई हैव टू डील विद द पीपल ऑफ रिगार्डिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, जो भी मुझे अच्छा भी लगता है पढ़ाना, क्योंकि बहुत किताबें पढ़ी हैं। तो बस अब सही नहीं पढ़े, तो आपने अच्छी पॉजिटिव चीज़ें पढ़ी, वरना बहुत से लोग इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है और अभी तक पढ़ रहे हैं मगर वो पॉजिटिविटी के साथ काम नहीं करे, मगर आपने अच्छी बात है कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये जो स्मोक वगैरह करते हैं, जो स्मोकिंग हो रही होती है, ये दूसरे ड्रग्स ले रहे होते हैं लोग, और उसके बाद जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ उसमें और जो एक्सरसाइज कर रहे उनका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है ना डिस्टर्ब रहता है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देखें, अभी हम जो ये कोविड का जो हमारा मसला चल रहा है, जिसका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन्हांस्ड है उसको कोविड नहीं होगा। अच्छा, और जिसका इन्हांस नहीं है उसको होगा, उसको मसले होंगे। क्योंकि अभी भी देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, अब डॉक्टर्स को देख लो कितने सारे हैं जो कोविड के पेशेंट्स के साथ घूमते फिरते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोविड नहीं हुआ। वो उनका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो एनहांस्ड है, क्योंकि वो उनकी जो लंग्स हैं या बिल्कुल लंग्स उनका सही काम कर रहा है, उनका टाइडल वॉल्यूम सही है। तो ये बहुत, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब वो करती हैं। और आपकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करे। मैं बोलता हूँ बड़ा हमारे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन आपके साथ रहा है। मैं चाहूँगा कि आपको जाने से पहले ना कोई नौजवानों के लिए कोई अच्छा सा मैसेज रिकॉर्ड कराएं इस पर कैमरे के जरिए। अच्छा, मेरा जो नौजवानों के लिए एक मैसेज है वो ये है कि आप जिम जाकर जल्दबाजी ना करो, सही है, आप अपना डाइट प्लान सही रखो, वर्कआउट प्लान सही रखो, जल्दबाजी नहीं करोगे मुझे 3 महीने या 4 महीने में सेट होना है। अगर आप ये अपनी अप्रोच रखोगे तो फिर आपका ट्रेनर, ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनर आपके दिमाग में खुद भी आएगा कि मैं शॉर्टकट पे जाऊं, और शॉर्टकट फिर ये होता है कि बंदा फिर ड्रग्स में लग जाता है, बॉडी बिल्डिंग कुछ भी उल्टा सीधा, इवन के मैं कहता हूं सप्लीमेंट्स भी जो है ना, इफ़ आपका जो डाइट जो सप्लीमेंट होता है फूड रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट, अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपका अच्छा है, आप खाना पीना आपका अच्छा है, तो डोंट गो फॉर द सप्लीमेंट। मैं सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता, आई जस्ट यूज़ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एनर्जी, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। तो ये अगर आप यूज़ करो तो दैट्स इट। अपने आप को, किसी को खेलने का मौका मत दो अपने आप से। तो ये है ताकि आप लोग ही जो है आगे जाके डॉक्टर्स बनोगे, आप लोग ही आगे जाके आर्मी में जाओगे। अगर आप लोग अपने आप को डैमेज कर लोगे ड्रग से, तो पाकिस्तान का नुकसान है इसमें। बहुत शुक्रिया, और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला आपको फिर मिलूँगा फैस टीवी में, अचीवर शो में, और नए प्रोग्राम्स के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए और देखते रहिए फैस टीवी। अल्लाह हाफिज़।